अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास सिक्स मैथ्स हेड मिसेलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 11। तो ऑलरेडी एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 अपलोड कर दें। अगर आपने नहीं देखी होगी तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मिसेलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द पेरीमीटर निकालना। यहाँ दो फिगर्स दी गई है, तो वन नंबर के सॉल्यूशन देखिए, पेरीमीटर इज गिवन टू, देखिए पेरीमीटर मतलब क्या है, किसी फिगर के जितने सारे साइड्स हैं सब साइड्स की लेंथ को ऐड करने से पेरीमीटर आएगी। तो यहाँ जो जो साइड्स हैं इनके पेरीमीटर, तो पहले देखिए 5.5 है, 5.5 सेंटीमीटर प्लस, ये देखिए 8.5 है, 8.5 सेंटीमीटर प्लस। यहाँ देखिए दोनों साइज बराबर है, यहाँ दो काट एक एक काट मार्क है ना, मतलब दोनों बराबर है, और 3.5 सेंटीमीटर करके, 3.5 सेंटीमीटर, तो ऐसे ही ये भी 3.5 प्लस, 3.5 सेंटीमीटर प्लस। यह साइज देखिए, यहाँ दो काट मार्क, इस लाइन पर भी दो काट मार्क है, मतलब ये दोनों साइज बराबर है। तो ये साइड 8.5, तो ये भी 8.5 हो गया, प्लस 8.5 cm इज इक्वल टू, तो सबको ऐड करने से आएगा 29.5 सेंटीमीटर। अच्छा, टू नंबर के पेरीमीटर देखिए, पेरीमीटर इज इक्वल टू, एक ट्रायंगल तीन साइड्स है, इस साइड पर एक काट मार्क है और इस साइड पर भी एक काट मार्क है, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है, इसलिए इस साइड के मेजरमेंट नहीं दी गई है, मतलब इस साइड के मेजरमेंट इस साइड के मेजरमेंट के बराबर है, यानी कि ये 5.8 सेंटीमीटर है। अच्छा, मतलब ये एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है, तो पहले 5.8 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर प्लस, ये भी 5.8 है, इसके बराबर है 5.8 सेंटीमीटर प्लस, ये 9.8 है, 9.8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, आप सबको जोड़ देना, तो 21.4 सेंटीमीटर हो गए, तो वन नंबर के आंसर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए हेक्सागन इज मेड अप ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, द लेंथ फ्रॉम द सेंटर ओ टू वन ऑफ इट्स वर्टिसेस इज 3.7 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द हेक्सागन। तो देखिए, यहाँ एक हेक्सागन है जो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बनती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब तीनों साइज बराबर है, मान के चलिए ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइज बराबर है, तो ऐसे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल को जोड़ने से एक हेक्सागन बनती है, तो उसी ही हेक्सागन की पेरीमीटर क्या होगी। जबकि देखिए, यहाँ क्वेश्चन में कहा कि द लेंथ फ्रॉम द सेंटर ओ टू वन ऑफ इट्स वर्टिसेस इज 3.7 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या है, देखिए पहले तो एक हेक्सागन ड्रॉ करते हैं ऐसे ही 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से, तो देखिए हेक्सागन तो ऐसे होते हैं, यह है एक हेक्सागन, ठीक है, इसकी सब साइड्स बराबर है, 6 साइड है और 6 साइड्स बराबर है, तो इससे इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बनते हैं। देखिए मान लीजिए इसके सेंटर ये है, तो इस सेंटर से इन दोनों को ज्वाइन करना, इसको ज्वाइन करना, अच्छा इसको ज्वाइन करना, इसको ज्वाइन करना, इसको ज्वाइन करना, यानी कि इसकी तीन तीन डायगोनल्स होते हैं, और तीनों डायगोनल्स ज्वाइन करने से यहाँ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मतलब क्या है, एक हेक्सागन की रेगुलर हेक्सागन की, ये रेगुलर हेक्सागन है क्योंकि 6 साइज बराबर है, और रेगुलर हेक्सागन की तीन डायगोनल्स होते हैं, और तीन डायगोनल्स ने क्या करती है, यहाँ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड कर देती है, मतलब यहाँ जो 6 ट्रायंगल्स बन रही है ना, सबका सब इक्विलेटरल है, मतलब सब साइज बराबर है, ये साइड इक्विलेटरल मतलब सब साइड बराबर है, तो ये साइड भी ये साइड भी बराबर है, वैसे ही सारे के सारे साइड्स आपस में बराबर है, इक्वल है। और यहाँ देखिए ये बात कहा कि द लेंथ फ्रॉम द सेंटर ओ टू वन ऑफ इस बार से 3.7 सेंटीमीटर, तो सेंटर ओ मान लीजिए ये है सेंटर ओ, तो इसकी किसी भी वर्टेक्स पर, ये भी एक वर्टेक्स है, ये भी एक वर्टेक्स, 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 6 वर्टेक्स है, तो सेंटर से किसी भी एक वर्टेक्स पर लेंथ क्या होगी, 3.7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो आप इसकी
पेरीमीटर क्या होगी? तो देखिए, जबकि ये साइड 3.7 है तो ये भी 3.7, ये भी 3.7, सब साइड 3.7 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 3.7 सेंटीमीटर, ये भी 3.7 सेंटीमीटर, ये भी 3.7 सेंटीमीटर, ये भी 3.7 सेंटीमीटर, ये भी 3.7 सेंटीमीटर। तो मतलब यहाँ कितने 3.7 है? 3.7 3.7 लेंथ की साइड ऐसी 6 साइड से, तो 6 से इसको इंटू करते हैं, मतलब एक साइड, क्योंकि सब साइड बराबर है ना, एक रेगुलर हेक्सागन। तो अब देखिए पेरीमीटर ऑफ डी रेगुलर हेक्सागन। अच्छा, पहले यहाँ लिखना, गिवेन साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागन, ये तो एक रेगुलर हेक्सागन होगी ना, इच साइड ऑफ द हेक्सागन इज इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द हेक्सागन इज इक्वल टू 6 इनटू 3.7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 इनटू करना, 6 7 आर 42, 2 कैरी ओवर 4, अच्छा 6 3 आर 18 प्लस 4 22, और डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होगी, क्योंकि दोनों नंबर्स में एक नंबर डेसिमल नंबर है, और ये इस ये है वन डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो इसकी प्रोडक्ट भी वन डेसिमल होगी, यानी कि इसकी प्रोडक्ट की जो नंबर होगी ना, इसकी डेसिमल के बाद वन डिजिट होनी चाहिए, तो ये है, तो यहाँ सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 22.2 सेंटीमीटर है इस रेगुलर हेक्सागन की एरिया पेरीमीटर। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द डबल हेडेड एरो। तो देखिए ये एक डबल हेडेड एरो है जिसकी दोनों साइड्स में एरो लगा हुआ है, तो इसकी पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर ऑफ द डबल हेडेड एरो इज क्या है? देखिए यहाँ यहाँ से यहाँ तक तो जो साइड है 7.9 सेंटीमीटर है, 7.9 सेंटीमीटर है, तो इसकी इक्वल साइड ये भी है, ये भी इसकी इक्वल है। अच्छा, ये जो साइड है 5.1, देखिए इस एरो के ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड बराबर है, इन चारों साइड बराबर है, और ये 5.1 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए ये जो साइड है, ये जो साइड है, ये जो साइड है और ये जो साइड है, ये चारों बराबर है और 1.2 सेंटीमीटर है, तब आराम से हम इसके पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो पहले देखिए 7.9 में से कितने दो है, तो 7.9 सेंटीमीटर प्लस 7.9 सेंटीमीटर। अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा नीचे लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ लिख दूंगा। तो 7.9 सेंटीमीटर प्लस 7.9 सेंटीमीटर दो है ना, प्लस 5.1 कितने हैं, 4 है। तो एक काम करना, ऐसा तो दो है, तो 2 से 7.9 को इंटू करना, तो 7.9 प्लस 7.9 मतलब 2 इंटू 7.9, अच्छा प्लस ऐसे ही 4 साइज है ना, 1 2 3 4, तो 4 इंटू 5.1 सेंटीमीटर प्लस, फिर से ये जो साइज है कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो फिर से 4 इंटू 1.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अच्छा इसके केस में देखिए 2 9 18 कैरी ओवर 1, ठीक है, अच्छा 2 7 14 प्लस 1 15, और डेसिमल एक डिजिट के बाद होगी, दो डिजिट के बाद होगी, यानी कि 1 डेसिमल पॉइंट होगी, तो 15.8 सेंटीमीटर प्लस 4 से इसको गुना करना, 4 1 4 4 5 20 पॉइंट होगी, तो 20.4 सेंटीमीटर प्लस, इसके केस में देखिए 4 2 8 और 4 1 4 तो 4.8 सेंटीमीटर। आप फिर से सबको इकट्ठा कर लेना, 15.8 प्लस 20.4 15.8 20.4 और 4.8, तो 20 0 कैरी ओवर 2 पॉइंट है, 5 प्लस 4 9 प्लस 2 11 1 कैरी ओवर 1 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4 है, तो 41 है एग्जैक्ट, 41.0 मतलब 41, तो 41 सेंटीमीटर है। तो इस ये जो डबल हेडेड एरो है इसकी पेरीमीटर है 41 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दी लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर मोर इट्स वर्थ, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 292 सेंटीमीटर,
फाइंड द लेंथ एंड वाइड ऑफ द रेक्टेंगल। तो देखिए एक ऐसी रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ, ये जो लेंथ है, ये जो वाइड है, इसकी 30 सेंटीमीटर ज़्यादा है। अगर वाइड को बी माना जाए तो लेंथ, ये जो बी है यानी कि वाइड है, इसकी 30 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो बी प्लस 30 होगी, मतलब लेंथ बी प्लस 30। तो लेंथ यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं लेंथ इज इक्वल टू बी प्लस 30, लेंथ इज इक्वल टू बी प्लस 30 सेंटीमीटर, ठीक है, बी प्लस 30 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ तो नहीं है, ब्रेथ है। अच्छा, पेरीमीटर दी गई है 292 सेंटीमीटर, इसकी जो बाउंड्री है चारों साइड की 292 सेंटीमीटर है, ये एरिया नहीं है, पेरीमीटर है, ठीक है। तो अब इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होगी, तो आराम से हम निकल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्या है, इसके पेरीमीटर के फॉर्मूला पुट करना। तो 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू पी, मतलब पेरीमीटर, तो इम्प्लाइज 2 इंटू एल क्या है, लेंथ, ये तो लेंथ है ना, तो लेंथ की जगह में देखिए बी प्लस 30 है, बी प्लस 30 प्लस ब्रेथ, ब्रेथ तो ब्रेथ ही है, बी है, इज इक्वल टू पेरीमीटर क्या है 292, इम्प्लाइज आप दोनों साइड को 2 से डिवाइड देना, तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ बी प्लस 30, बी प्लस 30 प्लस बी बचेगी, इज इक्वल टू, इस साइड को अगर 2 से डिवाइड दी जाए, मतलब इस नंबर 292 को 2 से डिवाइड दी जाए, तो होगी 2 1 2 2 4 8 1 12 हुआ 2 6 12, मतलब 146 हो गई। इम्प्लाइज आप देखिए बी प्लस बी टू बी, टू बी, बी और बी सेम है ना, तो लाइक टर्म्स है बी और बी, टू बी इज इक्वल टू 146 कॉन्स्टेंट, 30 भी कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट राइट साइड में कर देना, तो ऑलरेडी यहाँ 146 है, 146 पॉजिटिव ही है, रखना अपनी जगह में, और इस साइड में ये निगेटिव पॉजिटिव है, तो इस साइड में लाया जाए तो निगेटिव होगी, तो माइनस 30 होगी, इज इक्वल टू, देखिए 2b इज इक्वल टू 146 माइनस 30, तो 116 हो गए, 160 इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 116 को 2 से डिवाइड देना, b के कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ देखिए दोनों साइड को अगर 2 से डिवाइड दी जाए, तो यहाँ बी से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 116 को 2 से डिवाइड हो गए, तो इज इक्वल टू, अगर 116 को 2 से डिवाइड दी जाए ना, तो 58 हो गए, तो ब्रेथ है बी क्या है 58 है। अब देखिए लेंथ आराम से हम निकालेंगे कैसे, ब्रेथ के साथ 30 ऐड कर देना, तो ब्रेथ 58 है, तो लेंथ 58 प्लस 30 यानी कि 88 है, तो देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू 58 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू 58 प्लस 30 इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इस पेरीमीटर इज द सेम एज द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो देखिए एक स्क्वायर है, मान के चलिए ये एक स्क्वायर है, इसकी एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसके एरिया। अच्छा, इसकी जो पेरीमीटर है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की पेरीमीटर के बराबर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब क्या है, तीनों साइड्स बराबर हैं। तो मान लीजिए कुछ ऐसे एक ट्राइंगल की पेरीमीटर के बराबर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ना तीनों साइड्स बराबर हैं, और ये जो स्क्वायर है इसकी भी चारों साइड्स बराबर है, स्क्वायर के चार साइड्स होते हैं और ट्राइंगल की तीन साइड्स होते हैं। देखिए इसकी एरिया दिए गए है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी पेरीमीटर और इसकी पेरीमीटर सेम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी एरिया भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ, पेरीमीटर सेम हो सकते हैं लेकिन एरिया सेम नहीं होगी, ठीक है। तो आप यहाँ ये जो ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके होरिजन साइड की लेंथ क्या होगी इसको निकालना, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। पहले ये जो स्क्वायर है इसकी साइड निकालिए, तो स्क्वायर की एरिया से साइड कैसे निकलते हैं, स्क्वायर की जो एरिया होगी ना इसकी स्क्वायर रूट लेने से साइड निकल आएगी, ठीक है। तो देयरफॉर आप लिखना साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो 10 टेंस आर 100 ना, तो देखिए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर के स्क्वायर रूट सेंटीमीटर है और 100 के स्क्वायर रूट 10 है, ठीक है। तो स्क्वायर की साइड आ गया, आप देखिए इसकी पेरीमीटर और इसकी पेरीमीटर बराबर है, तो पहले स्क्वायर के पेरीमीटर निकालते हैं, तो दे आर पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू चारों साइड बराबर है और हर साइड 10 सेंटीमीटर है, तो 4 इंटू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा आप देखिए इसकी एरिया 40 पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर और इसकी पेरीमीटर इसकी पेरीमीटर सेम है ना, तो देखिए इसकी भी 40 सेंटीमीटर पेरीमीटर होगी, तो आप लिखना पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखिए इसकी एरिया पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर, इसकी भी 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी चार तीन साइड्स है ना, तो हर एक साइड बराबर है, तो तीन से पेरीमीटर को डिवाइड करना, तो देयरफॉर ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल 40 सेंटीमीटर बाय 3 इज इक्वल टू 3 13 39 और यह 40 है तो 1 बचा, तो 1/3 होगी, 1/3 सेंटीमीटर, तो ये होते हैं आंसर। मतलब इसकी हर एक साइड की लेंथ 13 कंप्लीट 1/3 सेंटीमीटर है, इजी बहुत इजी। तो भाई वीडियो को लाइक करना। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 273 सेंटीमीटर व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो देखिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी पेरीमीटर 273 सेंटीमीटर, इक्विलैटरल मतलब तीनों साइड्स तो बराबर है ना, और तीनों साइड्स की जो बाउंड्री होते हैं टोटल लेंथ होते हैं वो 273 सेंटीमीटर 273, तो हर एक साइड की लेंथ क्या होगी, तो बहुत ईजी है, तीनों साइड जब के बराबर है और तीनों साइड की टोटल साम 273 है, तो तीन से डिवाइड देना, तो लेंथ ऑफ दी साइड आ जाए, यहाँ गिवन क्या है पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 273 सेंटीमीटर, देयरफॉर लेंथ ऑफ दी साइड ऑफ दी ट्रायंगल इज 273 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, देखिए 3 से अगर 273 को डिवाइड दी जाए ना, तो 3 9 27 3 1 3 तो 91 सेंटीमीटर है, तो मतलब इस ट्रायंगल के हर एक साइड की लेंथ 91 सेंटीमीटर करके। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए रूम इज 3.5 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स नीड टू बी टाइल्ड। तो एक रूम है कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी एक रूम है जिसकी लेंथ है 3.5 मीटर और ये जो ब्रेथ है 3 मीटर है, तो इसको टाइल्स करने के लिए मतलब इसको इस पर टाइल्स लगाने के लिए इस रूम को कितनी स्क्वायर मीटर चाहिए, कितनी स्क्वायर मीटर टाइल्स चाहिए, तो मतलब क्या है इसकी एरिया जो होगी ना, इसके एरिया पर तो टाइल्स बिछाई जाएगी ना, तो इसकी एरिया जो होगी ना टोटल टाइल्स की एरिया वही होगी, तो इसके एरिया निकाल लीजिए बस आंसर हो जाएगी। तो यार एल इज इक्वल टू लेंथ 3.5 मीटर शॉर्टकट एल लिखा और ब्रेथ शॉर्टकट बी लिखा 3 मीटर, तो देयरफॉर एरिया ऑफ द रूम, रूम के एल इंटू बी मतलब एल क्या है 3.5 मीटर है इंटू ब्रेथ 3 मीटर, तो 3 मीटर, तो 3 से 3.5 को इंटू करने से 10.5 आएगी और मीटर इंटू मीटर एम इंटू एम एम स्क्वायर मतलब मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, तो मतलब क्या है ये जो रूम है 3.5 मीटर और 3 मीटर डायमेंशंस वाले, इस रूम की एरिया है 10.5 स्क्वायर मीटर, तो मतलब आप जो टोटल टाइल्स होगी ना, तो टाइल्स की एरिया होगा 10.5 स्क्वायर मीटर, तो देयरफॉर आप आंसर ऐसे ही लिखना 10.5 स्क्वायर मीटर ऑफ टाइल्स नीडेड, या फिर ऐसे ही लिख सकते द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द टाइल्स नीडेड इज इक्वल टू 10.5 स्क्वायर मीटर, ऐसे भी लिख सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द एरिया ऑफ अ गार्डन इज 25 मीटर स्क्वायर, 10 स्क्वायर फ्लावर बेड्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द ग्राउंड,
ईच ऑफ डायमेंशन 1.5 मीटर साइड, हाउ मच ऑफ द ग्राउंड इज नॉट डार्क फॉर फ्लावर बेड्स। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ही समझाता हूँ आपको। मान लीजिए ये एक ऐसी एरिया ऑफ ए गार्डन, ये एक ऐसी गार्डन है। गार्डन किस टाइप की, रेक्टेंगुलर टाइप की या ट्रायंगुलर टाइप की या स्क्वायर शेप की, ये मेंशन नहीं की। तो मान लेता हूँ ये रेक्टेंगुलर टाइप की एक गार्डन है जिसकी एरिया है 25 स्क्वायर मीटर। अच्छा आप देखिए, स्क्वायर शेप की ऐसी छोटी छोटी स्क्वायर शेप की कुछ फ्लावर बेड लगानी है ग्राउंड पर, फ्लावर बेड लगानी है छोटी छोटी ऐसी, ठीक है, ग्राउंड पर, जिसकी ये जो ये तो स्क्वायर टाइप की है ना, तो स्क्वायर मतलब चारों साइड बराबर है और हर साइड की लेंथ 1.5 मीटर है। अच्छा तो ऐसे कितने हैं, 10 फ्लावर स्क्वायर टाइप की फ्लावर बेड्स लगाने हैं, ग्राउंड पर रखना है। तो इसकी कितनी एरिया अब बच जाएगी, कितनी एरिया बच जाएगी, देखिए ऐसे ही लगानी है ना, 10 ऐसे ही लगानी है। तो और भी एक यहाँ मान लीजिए ऐसी लगानी है, मतलब पूरा नहीं, सिर्फ 10 लगाना है। तो मान लीजिए इस टाइप की एक गार्डन है और इसमें देखिए इस टाइप की छोटी छोटी स्क्वायर बेड लगाना है फ्लावर के। तो आप देखिए यहाँ तो सारे के सारे गार्डन की जो ग्राउंड है, फ्लोर है, सब में तो नहीं लगाना है, सिर्फ 10 ऐसे ही लगाया गया। 10 मान लीजिए ये टाइल्स के टुकड़े हैं, 10 टाइल्स की टुकड़े, और ये एक ऐसी रूम है, फ्लैट रूम है जिस पर 10 लगाना है सिर्फ डिज़ाइन के लिए। मान लीजिए डिज़ाइन के लिए 10 टाइल्स लगाना है और पूरा रूम नहीं, पूरा फ्लोर नहीं, पूरा ग्राउंड नहीं। तो आप देखिए इसकी तो एरिया कुछ होगी ना, यह जो स्क्वायर बेड हो रही है फ्लावर की, ये 1.5 सेंटीमीटर की है और ये की साइड स्क्वायर टाइप की है, चारों साइड बराबर है। तो ऐसे ही 10 टाइल्स की, टाइल्स मान लीजिए, टाइल्स की एरिया कितनी होगी, इसकी टोटल एरिया तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 25 स्क्वायर मीटर से ऐसे ही 10 टाइल्स की टोटल एरिया माइनस कर दीजिए तो कितने बाकी ही एरिया वो निकल आएगा, ठीक है। तो यह देखिए हेयर एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर। अच्छा साइड ऑफ ईच स्क्वायर फ्लावर बेड इज इक्वल टू 1.5 मीटर। तो देयरफॉर आप देखना एरिया ऑफ ईच स्क्वायर फ्लावर बेड इज इक्वल टू, देखिए एरिया का फॉर्मूला, साइड स्क्वायर और साइड इंटू साइड होते हैं, स्क्वायर के एरिया साइड इंटू साइड या फिर साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड और साइड इंटू साइड मतलब साइड स्क्वायर, ठीक है। तो 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5 2.25 मीटर है। अच्छा मीटर स्क्वायर है, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। तो देखिए इस शेप की एक स्क्वायर फ्लावर बेड की एरिया 2.25 मीटर स्क्वायर है। तो ऐसे ही 10 लगा, तो देयरफॉर एरिया ऑफ 10 सच स्क्वायर फ्लावर बेड्स इज इक्वल टू 10 से स्क्वायर इंटू करना 10 इंटू 2.25 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 से स्क्वायर इंटू करने से देखिए डेसिमल पॉइंट अब राइट साइड में मूव हो गए, तो कितने डिजिट 1 के बाद कितने जीरो है, 1 जीरो, तो 1 डिजिट होगी, मतलब यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 22.5 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में क्या कहा, देखिए हाउ मच ऑफ द ग्राउंड इज नॉट डार्क फॉर फ्लावर बेड। तो कितनी एरिया आप फ्लावर बेड के लिए नहीं कुदाई गई है, डिग मतलब कूदना है, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द ग्राउंड इज नॉट डार्क फॉर फ्लावर बेड्स इज इक्वल टू टोटल तो 25 मीटर स्क्वायर ना, तो माइनस कीजिए 22.5 मीटर स्क्वायर, तो 2.5 मीटर स्क्वायर होगी, 25 से 22.5 माइनस करने से 2.5 होगी, ठीक है। तो ये होते हैं भाई आंसर।
आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ए फ्लोर एट द रेट ऑफ रुपीज 30 पर स्क्वायर मीटर इफ द फ्लोर हैज अ डायमेंशन ऑफ 32 मीटर इंटू 28 मीटर। तो इसका मतलब यह है कि मान लीजिए ये एक फ्लोर है 32 मीटर, इसकी डायमेंशन है 32 मीटर इंटू 28 मीटर, मतलब 32 लेंथ है और 28 मीटर ब्रेथ है। इसके मतलब है 32 मीटर इंटू 28 मीटर, इसके मतलब जो बड़ा साइज से लेंथ है और ये छोटा सा ब्रेथ है, और ये एक रेक्टेंगुल टाइप की है फ्लोर है, नीचा रूम की निचली हिस्सा है। तो इसको कारपेटिंग करना, मतलब इस पर कारपेट बिछाना। तो देखिए पर स्क्वायर मीटर कारपेट की कॉस्ट रुपीज 30 है, रुपीज 30 पर स्क्वायर मीटर रुपीज 30 है। तो इस शेप की फ्लोर को कारपेटिंग करने के लिए टोटल कितने खर्च करने पड़ेंगे? तो यार देखिए, डायमेंशन ऑफ द फ्लोर, डायमेंशन ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 32 मीटर इंटू 28 मीटर, 32 मीटर इंटू 28 मीटर। तो देयर फोर एरिया ऑफ द फ्लोर, तो एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 32 मीटर इंटू 28 मीटर, 32 मीटर इंटू 28 मीटर इज इक्वल टू 32 से 32 और 28 इंटू करना, 28 जा 16, 6 कैरी ओवर 1, 38 जा 24 प्लस 1 25, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 6 8, 896। तो 896 मीटर स्क्वायर एरिया है ना, इतने स्क्वायर मीटर है। तो पर स्क्वायर मीटर की कीमत 30 रुपये है कार्पेटिंग करने की, तो इतने स्क्वायर मीटर ये कितने को, मतलब 30 से इसको इंटू करना। तो देयरफॉर आप आंसर ऐसे लिखना, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द फ्लोर इज रुपीज 30 इंटू 896 इज इक्वल टू रुपीज, इसको 30 से इंटू करना, तो 896 इंटू 30, तो एक जीरो है ना 30 में, तो लास्ट में एक जीरो लगा देना और पहले 3 से इसको इंटू करना, 3 6 18 8 कैरी ओवर 1, 3 9 27 प्लस 1 28 8 कैरी ओवर 2, 3 8 24 प्लस 2 26, और ये जीरो लास्ट में लगा देना, तो 26,880 है। तो रुपीज 26,880 है। तो इतने अमाउंट खर्च करनी पड़ेगी कारपेटिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये होते हैं भाई आंसर, बहुत ही सी। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर्स ऑन योर ग्राफ शीट हैविंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर्स एंड फाइंड आउट द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ दिस, व्हिच वन हैज ग्रेटर पेरीमीटर एंड एरिया। तो यहाँ देखिए 10 नंबर की यहाँ दो फिगर्स हैं, इन दोनों फिगर्स को आपकी ग्राफ पेपर में ग्राफ शीट में ड्रॉ करना, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखिए, ड्रॉ तो कर लिया, यहाँ मैंने ड्रॉ किया, फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ दिस, दोनों की पेरीमीटर और एरिया निकालना, पेरीमीटर और एरिया। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, बहुत बहुत ईजी है, यहाँ यहाँ जो हो ये स्क्वायर है ना, ब्लॉक है 1 सेंटीमीटर करके, यहाँ जो ये जो स्क्वायर टाइप की बॉक्स है ना, ये 1 सेंटीमीटर साइड की है, 1 सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेथ बराबर है, 1 सेंटीमीटर चारों साइड बराबर है, यानी कि स्क्वायर है। तो आप देखिए यहाँ कितने ब्लॉक्स है, कितने स्क्वायर है, हम गिन गिन के इसकी एरिया निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा पेरीमीटर के लिए क्या करना, सारे के सारे बाउंड्री, मतलब जितने सारे साइड्स है सबके बाउंड्री मेजर कर लेना, और हरियर की 1 सेंटीमीटर करके, ठीक है। तो पहले देखिए पेरीमीटर, वन नंबर के केस में पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर, देखिए देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, तो एक दो, यहाँ तो एक और एक तो 1 सेंटीमीटर करते, तो एक दो, ये एक साइड 3, ये एक साइड 4, 5, 6, 7, 8, अच्छा यहाँ ऊपर एक साइड देखिए 9 10 11 12 13, ऐसा आया ना, ऐसा ही आ रही है ना, 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो टोटल 22 साइड्स मिली है। तो 22 हो रही है 20 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो 22 सेंटीमीटर क्या है, पेरीमीटर।
अच्छा इसके पेरीमीटर देखते हैं, टू नंबर के पेरीमीटर देखते हैं। देखिए यहाँ से शुरू करना, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, टोटल 18 सेंटीमीटर है इसके पेरीमीटर। आप दोनों के एरिया देखते हैं, तो एरिया बहुत इजी है, कितने स्क्वायर्स बन लेना। तो देखिए इस लाइन में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, तो वन नंबर की टोटल 12 और हो रही है तो 1 सेंटीमीटर कर गया ना, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके केस में देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, इसकी भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया। तो देखिए दोनों के एरिया सेम है लेकिन पेरीमीटर सेम नहीं, पेरीमीटर किसकी ज़्यादा है, वन नंबर के। आप क्वेश्चन के लास्ट में देखिए व्हिच वन हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर एंड एरिया, तो कौन सी फिगर की पेरीमीटर ज़्यादा है और एरिया भी ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए दोनों फिगर के एरिया सेम है लेकिन वन नंबर के पेरीमीटर ज़्यादा है, तो आप ऐसे ही लिखना फिगर वन हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर और दोनों के एरिया तो सेम है एंड एरिया ऑफ बोथ द फिगर्स आर इक्वल, तो ये होते हैं 10 नंबर के आंसर। पहले इसको इन दोनों को ड्रॉ करना आपके ग्राफ पेपर में। तो भाई ये मिसलेनियस एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया और इसके साथ अप टू चैप्टर 11 कम्प्लीटली अपलोड हो चुका विथ मिसलेनियस एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, तो एक लाइक तो करनी पड़ेगी ना भाई, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि इनको भी इसकी जानकारी मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए सलामत रहिए, जय हिंद, धन्यवाद।